नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में मिथिलेश सिंह जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 54 इयर्स की हैं और गाज़ियाबाद से बिलोंग करती हैं। इनको टिनाइटस का प्रॉब्लम पिछले 3 साल से था, जिसकी वजह से इन्हें शोर चुभता था, चिड़चिड़ापन होता था, एनजाइटी होती थी, सर में भारीपन होता था। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद अब इन्हें 50% आराम है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनका टिनाइटस का जर्नी जानते हैं। मिथिलेश मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। जी मैम, आप थोड़ा सा बताएंगे आपकी एज क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं गाजियाबाद से मैम। और आपकी एज क्या है? 54। ओके मैम, आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम कितने टाइम पहले से था मैम? मुझे आई थिंक 3 साल हो गए मैम। 3 साल? हाँ जी। ओके, आपको ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई और आपने कहाँ कहाँ दिखाया डॉक्टर्स को? मैं ये प्रॉब्लम है ना, देहरादून गई हुई थी तो मेरे कान में रात को दर्द हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तो यही बोला था कि अंदर है पस पड़ गई है। अच्छा, तो तब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, हालांकि वो तो ठीक हो गया था उसके बाद, लेकिन मुझे तो कान में आवाज स्टार्ट हो गई थी मेरे कान में। अच्छा, पहले तो एक ही कान में थी, फिर दूसरे में भी मुझे, दूसरे से भी मुझे थोड़ा आवाज आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, तो उसके बाद डॉक्टर को, तो हालांकि मैंने जिस डॉक्टर को पहले दिखाया था उसको भी बताया था जाते, तो दवाइयाँ खाई लेकिन मुझे कोई ऐसे आराम लगा नहीं था। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को बोलते क्या थे जब आप उनके पास जाते थे? नहीं, वो तो बस यही बोलते थे कि ठीक हो जाएगी, ये दवाई खा लो, मतलब ऐसे कुछ ऐसे ही। वो भी वैसे तो ईएमटी के ही डॉक्टर थे पर शायद उनको ज्यादा नॉलेज थी नहीं इस बारे में। अच्छा, तो उन्होंने मुझे थोड़ा नॉर्मल ऐसे ट्रीटमेंट दिया था तो जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी एक्चुअली। ओके, तो उसके बाद तो फिर उसके बाद फिर मैंने आपका पढ़ा था, शायद ये यूट्यूब पे देखा था मैंने आपका। तो फिर हम आप लोगों के पास आए थे। अच्छा मैम, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको इस आवाज के साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई थी? इस आवाज के अलावा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी बस, लेकिन मेरी ये आवाज है ना बढ़ रही थी, पहले जैसे कम थी ना तो उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गई थी एक्चुअली। और फिर दूसरे कान में भी स्टार्ट हो गई थी, मुझे लगता था कि दूसरे कान में भी आ रही है। ओके, तो जब आपने हमसे ट्रीटमेंट लिया तो आपको लेने के बाद सबसे पहले किन चीजों में आराम आना शुरू हुआ था? मतलब मुझे वो मैंने बताया ना, ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे और कुछ थी नहीं, बस मुझे तो कान की आवाज ही, जो बैल की आवाज आती थी ना, मुझे घंटी बजने की आवाज आती थी तो वो ही आवाज मुझे परेशान कर रही थी, तो मैं तो आपके पास इसलिए ही आई थी बस, और कोई प्रॉब्लम थी नहीं मुझे, मतलब कान की कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ जी, तो जब आपने ट्रीटमेंट हमारे पास से शुरू करा तो आपको कब से आराम आना शुरू हो गया था? वो तो मुझे 1 महीना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था मैं बताऊँ आपको, और मुझे आराम भी लगा था, मुझे लगा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आराम लगा था लेकिन उसके बाद फिर मुझे ज्यादा आराम नहीं लगा मैं बताऊँ आपको। ओके, मतलब जो 1 महीना, मतलब मुझे जो 1 महीना जो मुझे आराम लगा ना, तो मुझे लगा मेरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मतलब फिर आवाज में मुझे ज्यादा मतलब फर्क महसूस हुआ नहीं, मेरी आवाज बढ़ी रही थी। मैम, ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहले फर्क आता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर वापस से फर्क आता है। अच्छा, तो इसीलिए आपको ऐसा हुआ होगा क्योंकि आपको 3 साल से दिक्कत है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है मैम। बट अगर जब से आपने ट्रीटमेंट किया है, अगर मैं तब से अब तक पूछूं तो कितना परसेंट आपको ओवरऑल आराम है अब तक? मुझे 50% ही आराम हुआ है बस अभी। कोई बात नहीं मैम, 50% कम नहीं होता। हाँ, लेकिन बस ये है कि आप मेरा जो, मैं बहुत परेशान होती थी ना जिससे, मतलब डिप्रेशन में चली जाती थी, बहुत ज्यादा तेज आवाज थी ना एक्चुअली मुझे, तो वो वाली मतलब सिचुएशन फिलहाल उससे मैं बाहर आ चुकी हूँ, फिलहाल उतना आराम मुझे लग गया है कि अभी आवाज है लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करती अभी। वही चीज मैम होता है, क्या होता है कि जब पेशेंट 3 साल से परेशान होता है, डॉक्टरों के पास चक्कर काटता है, कुछ आराम नहीं मिलता, और फिर थोड़ा बहुत मिलना शुरू होता है तो पेशेंट को खुद को भी मोटिवेशन मिलता है। मैम, 50% कम आराम नहीं होता किसी भी ट्रीटमेंट में, आप देखिए।
ठीक है। एंड मैम जैसे आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें कोई मैसेज या कोई सजेशन देना चाहेंगे? ट्रीटमेंट तो अच्छा है नो डाउट, पर लेकिन ये है कि किसको कितना आराम मतलब कैसे आराम लगता है, बस वो अलग बात है। ट्रीटमेंट में तो मुझे लगता है कि कोई मतलब ठीक है, मतलब कर लेना चाहिए, अगर किसी को करना है तो कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि मुझे अभी भी अगर मुझे ज्यादा मतलब ये लगता है कि मेरी आवाज तेज हो रही है तो मैं ट्रीटमेंट ले लेती हूँ उस टाइम पे, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मतलब मिल जाता है, रिलैक्स हो जाती हूँ फिर मैं। ओके मैम, अगर आवाज ऐसे तेज हो रही है ना और मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है, लेकिन मैंने नोट किया है अच्छे से। ओके मैम। मैम जैसे आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और वो अवेयर नहीं है, तो क्या हम आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? उसमें तो आवाज ही तो जाएगी, हाँ, आवाज जाने सिर्फ में तो कोई आपकी आवाज प्रॉब्लम नहीं जाएगी है। और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी मैम। हाँ नहीं, अगर ऐसा होता है तो मैम आपका सिर्फ ऑडियो जा रहा है जो अभी मैं आपसे ले रही हूँ, ओके ओके, और कोई आपका फीडबैक और कुछ नहीं जाएगा मैम, अच्छा तो मैं डाल सकती हूँ? नहीं, अगर देखो अगर ऐसी बात हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डालने में, ठीक पर है फिर मैम। भी मैं अगर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, अगर वो मतलब एग्री होते हैं तो, अब वो कहेंगे कि मुझसे पूछा भी नहीं तुमने और ऐसे बोल दिया,